संदीप चौधरी, मेरे साथ मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी। न्यूज 24 की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और हमारे साथ हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी। और राहुल, 5 चरण का चुनाव हो गया। आपने आपने ये नहीं कहा कि कहाँ बैठे हैं। तो ये हम भिवानी में बैठे हैं, बंसीलाल जी की कर्म भूमि है। तो हरियाणा का चुनाव चल रहा है और यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ है। थोड़ी सी भीड़, थोड़ी सी। और आप बार बार अपने भाषण में बॉक्सिंग की एनालॉजी को ड्रॉ कर रहे थे। बॉक्सिंग भिवानी बॉक्सिंग, और हाँ, और लिटिल क्यूबा है ये। और आप बार बार मैंने बोला कि ये लिटिल क्यूबा है और शायद आने वाले समय में वो भिवानी बनेगा, क्यूबा मिनी भिवानी हो जाए। आप बार बार उसमें एक बॉक्सर बता रहे हैं और वो बॉक्सर जो है अपने ही लोगों को रिंग से निकल निकल कर मांग रहा है। और वो कंफ्यूजन में बॉक्सर आ गए। बॉक्सर ने सोचा कि मैं अकेला लड़ रहा हूँ, मगर बॉक्सर कभी अकेला नहीं लड़ता है। जैसे मैंने बोला, बॉक्सर के पीछे भिवानी की आवाज़, बॉक्सर के पीछे कोच, बॉक्सर के पीछे पूरा स्ट्रक्चर होता है, बॉक्सर के पीछे उसके ओपोनेंट्स होते हैं, ओपोनेंट से भी आदमी सीखता है। तो ये जो बॉक्सर है, ये इसको फ्रेंकली इनको बॉक्सिंग ठीक से समझ नहीं आई और ये गलत दुश्मनों के खिलाफ लड़ गए। दुश्मन कौन से थे? बेरोजगारी थी, किसानों की समस्या थी, 15 लाख रुपए गरीबी थी। और नरेंद्र मोदी ने क्या किया? पहले अपने कोच को मारा, अडवाणी जी जो बॉक्सर के मेन कोच थे, 2 पंचेस उन्होंने उनको मारी। फिर उन्होंने अपनी टीम के लोगों को पंच मारा, मगर उसमें नरेंद्र मोदी जी जो मेन उनका ओपोनेंट था, गरीबी, बेरोजगारी, हिंदुस्तान के दिल में जो दर्द है, उसको भूल गए। और ये रिएक्शन है, देखिए चौकीदार। और आज की तारीख में भ्रष्टाचार, देखिए ये जो आवाज़ है ये जो ओपोनेंट था भ्रष्टाचार वाला, जिसको बॉक्सर ने डिफीट करना था, हराना था, ये वो आवाज़ है। ये कह रहे हैं कि भैया, इस बॉक्सर ने भ्रष्टाचार की बात की थी, मगर उल्टा इस बॉक्सर ने पूरा का पूरा पैसा वो अनिल अंबानी को दे दिया। पर एक और आवाज़ उठ रही है राहुल, और आवाज़ उठ रही है राष्ट्रभक्ति की, राष्ट्रवाद की, पाकिस्तान पर प्रहार की। आप कहते हैं 72,000, मोदी कहता है पाकिस्तान पर प्रहार। मैं भी कहता हूँ कि देखिए, अगर कोई भी देश, कोई भी शक्ति ये सोचती है कि वो हिंदुस्तान के लोगों को मार सकती है, यहाँ आतंकवाद कर सकती है, तो ऐसा नहीं होगा। हिंदुस्तान वापस मारेगा, 100% वापस मारेगा, मगर अलग अलग दुश्मन। एक दुश्मन बेरोजगारी, एक दुश्मन गरीबी, एक दुश्मन जो नेशनलिज्म का आइडिया है, वो सब है। मगर नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी सेना के पीछे छुप रहे हैं। उनके एक व्यक्ति ने कहा, मोदी की सेना, इससे बड़ा अपमान भिवानी की जनता, हमारे सोल्जर्स, हमारे एयरफोर्स के लोग, हमारे नेवी के लोगों का हो सकता है? जब हमारा कोई सेना का व्यक्ति शहीद होता है, क्या वो नरेंद्र मोदी के लिए शहीद होता है? पर सर्जिकल स्ट्राइक को जी, क्या वो नरेंद्र मोदी के लिए शहीद होता है या वो हिंदुस्तान के लिए शहीद होता है? सेना हिंदुस्तान की, सेना नरेंद्र मोदी की कभी नहीं हो सकती। पर नरेंद्र मोदी ने सेना का राजनीतिक प्रयोग किया। जब पुलवामा हुआ, मैंने सीधा बोला, कांग्रेस पार्टी शहीदों का प्रयोग नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी पूरा का पूरा सपोर्ट सरकार को, सेना को देगी। तो बिल्कुल नेशनलिज्म जरूरी है, मगर सेना का राजनीतिक प्रयोग करना सेना का अपमान है। पर सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक बता देना, ये सवाल पूछना कि हमने एयर स्ट्राइक की है, कितने लोग मरे या नहीं मरे। जब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे, सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, कांग्रेस पार्टी ने कहा बहुत अच्छा। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सेना ने 6 सर्जिकल स्ट्राइक, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं वो तो वीडियो गेम्स है। वो वीडियो गेम्स, आप डिसाइड कीजिए, सेना वीडियो गेम खेल रही थी क्या? आपका फायदा नहीं हुआ, पर्सनल फायदा नहीं हुआ, तो सेना वीडियो गेम खेल रही थी? अपमान करते हैं ये।
ये हिंदुस्तान का अपमान करते हैं जी, क्योंकि क्योंकि फ्रेंकली घमंड घुस गया है, घमंड घुस गया है। नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं मैं हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मेरे में है। नहीं नरेंद्र मोदी जी, आप हिंदुस्तान नहीं हैं, आप हिंदुस्तान के एक छोटे से पीस हैं। मैं हिंदुस्तान का छोटा सा छोटा पीस हूँ, करोड़ों लोगों का मैं एक हूँ, आप हिंदुस्तान नहीं हैं। गलती से भी मत सोचिए, हिंदुस्तान की जनता अब आपको समझाने जा रही है कि आप हिंदुस्तान नहीं हो और कभी नहीं हो सकते हो। और शायद यही वजह है कि आप बड़े आत्मविश्वास के साथ आजकल कहते चलते हैं कि अब 15-20 दिनों की बस बात रह गई है। मैनिफेस्टो है आपके पास, उसमें आपने पूरा हिंदुस्तान दिखाया है। जी हाँ, लेकिन मेरा सवाल ये है राहुल जी कि आप कहते हैं कि अब सब कुछ बदलने वाला, लाइए लाइए मैनिफेस्टो पहले दिखा लेने, एक हमें भी दे दीजिए, लाइए लाइए लाइए। ये 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 मैनिफेस्टो में देखिए कितने लोग, देखिए कितने लोग हैं, देखिए कितने लोग हैं। ये हमारे लिए हिंदुस्तान है, ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की आवाज़ है। इसको आप खोलिए, इसमें किसानों की आवाज़ है, युवाओं की आवाज़ है, बेरोजगार लोगों की आवाज़ है, गरीबों की है, माताओं बहनों की है, इन सब लोगों की आवाज़ है। नरेंद्र मोदी जी के मैनिफेस्टो में एक फोटो नरेंद्र मोदी, उसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी का विजन है। ये जो विजन है इसके सामने नरेंद्र मोदी छोड़ो दुनिया में कोई खड़ा नहीं हो सकता है। इसमें इतनी शक्ति है, हिंदुस्तान की आवाज में इतनी शक्ति है, अरे भाई दोनों सुपर पावर तीनों सुपर पावर खड़े हो जाएं, हिंदुस्तान के सामने नहीं खड़े टिक सकते। हमने दिखाया है देश दुनिया को, पहले सुपर पावर हुआ करता था इंग्लैंड, ये इस आवाज ने उस सुपर पावर को वापस भेज दिया था जी। तो ये शक्ति है, इसके सामने नरेंद्र मोदी कभी नहीं टिक सकता। ये शक्ति आज की तारीख में आपके साथ है और इसीलिए आप शायद कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये शक्ति मेरे साथ नहीं है, मैं इस शक्ति के साथ हूँ। बात समझिए, ये 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 मेरे साथ नहीं है, मैं इनके साथ हूँ, समझिए उसको। मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ। ये नहीं 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 बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो इनकी आवाज़ है ना, इसमें मैं जाके मिल गया जी। अब मेरा मूल प्रश्न राहुल जी ये है कि जब आप ये कहते हैं कि अब बस थोड़े दिनों के मेहमान हैं मोदी जी, हम उनको हराएंगे, तो ये तो आप कह देते हैं कि हराएंगे, लेकिन सरकार किसकी बनाएंगे, ये बड़ा प्रश्न है। कौन बनाने जा रहा है सरकार? क्या वो थर्ड फ्रंट है? क्या राहुल गांधी कर्नाटक मॉडल को मानेंगे? क्या ममता मायावती प्रधानमंत्री बन सकती हैं? चुनाव के बाद क्या होगा मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि इनकी आवाज है, मैं इनकी आवाज का पालन करूंगा। जो ये कहेंगे उसके सामने मैं झुक के मैं कहूंगा जो भी आपने कहा उसको मैं मानूंगा। जवाब देने दी, जो भी ये कहेंगे, जो भी कहें, कुछ भी कहें, मैं हाथ जोड़ के इनके सामने खड़ा होऊंगा। आप मालिक हो, आपने ऑर्डर दिया, कुछ भी हम कर रहे हैं। सुनिए, बात यह है कि इस चुनाव में मेरा लक्ष्य हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की रक्षा करने का है। और मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की जो सोच है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन पर, इन इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण कर दे। नरेंद्र मोदी व्यक्ति भी हैं, वो सोच भी है। सोच से मैं लड़ रहा हूं, व्यक्ति से कोई नफरत नहीं है। व्यक्ति को हराएंगे, सोच को हराएंगे, और आप देखना 2019 के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली, नहीं बनने वाली है। तो ये 7 राउंड की जो बॉक्सिंग हो रही है, 5 राउंड पूरे हो गए, अभी आगे कौन है? और मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ, आपने घोषणा पत्र का जो जिक्र किया, ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, आइडियलिस्टिक लगती हैं, यूटोपियन भी कुछ लोग कहते हैं। नहीं 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 नहीं, पर नरेंद्र मोदी, सुनिए सुनिए, वो हिंदुस्तान की आवाज को आप आइडियलिस्टिक मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए। हिंदुस्तान की आवाज से गहरी आवाज कहीं नहीं गूंजती। आप इसका ऐसे आप मत बोलिए कि आइडियलिस्टिक है, थियोरी है, थियोरी नहीं है, ये आवाज है।
नहीं, एक खालिस राजनीति भी होती है, एक इवेंट मैनेजमेंट भी होता है, एक नैरेटिव ग्रैब करना होता है। वो मोदी बेहतर कर पा रहे हैं क्या? ये दिल की आवाज है। देखिए, और मेरे दुश्मन कौन है? मेरे दुश्मन नरेंद्र मोदी नहीं है, मेरे दुश्मन बेरोजगारी, मेरे दुश्मन दर्द, मेरे दुश्मन किसानों के दिल में जो घबराहट है, डर है, मेरे दुश्मन गरीबी, ये है मेरे दुश्मन। पर आप पर, आप पर सीधा हमला किया जा रहा है राहुल, करिए, आप पर सीधा हमला किया जा रहा है। अच्छा, आपके पिता को भी लेकर आया जाता है, भ्रष्टाचारी नंबर वन, करियर के एंड में भ्रष्टाचारी नंबर वन हो गए, आपकी नागरिकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी बोलना चाहते हैं, जो भी बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं बोलिए, बोलिए, मैं सब निकल जाऊंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं सच्चाई जानता हूं, मुझे सच्चाई दिख रही है। आप जो बोलना है, जो आपके दिल में डर है, जो आपके दिल में नफरत है, निकालिए निकालिए, मैं सब कहा जाऊंगा और आपको वापस प्यार ही दूंगा। ये आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं भाई, भाई, ये जो सेना खड़ी है ना, ये आर्मी बब्बर शेर, ये प्यार की सेना है, इनको आप मारोगे भी ना, ये गले लगेंगे। बहुत अच्छी बात है राहुल, एक मिनट, संजीव एक मिनट, उल्रिक मैकनाइट का नाम भी आ रहा है, वो नाम जो इंक्वायरी करनी है, कि ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट मिले स्कॉर्पिन डील में, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिले, आपको जो इनका, आपकी सरकार है, जो इंक्वायरी करनी है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ये सरासर झूठ है क्या? आप खारिज करते हैं इन आरोपों को? झूठ है, जो इनको इंक्वायरी करनी है करो, मैं खड़ा हूँ, मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूँ, करो जो करना है आपको, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ और सच्चाई का कोई मुकाबला नहीं होता। चलिए, आप आदर्श की राजनीति को फिर से वापस डिस्कोर्स में लाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हकीकत आंकड़ों से बनती है। 272 क्या कांग्रेस लेकर आ रही है, और अगर नहीं लेकर आ रही है, आज विजयन की मुलाकात राहुल जी देखिए हुई है, देखिए जगनमोहन से, केसीआर से, ये फैक्टर्स हैं, चुनाव सरकार कैसे बनाएंगे, क्या इनको मौका मिलेगा? चुनाव आंकड़ों से नहीं जीता जाता है, आर्टिकल्स आंकड़ों से लिखे जाते हैं, मीडिया आंकड़ों की बात करता है, चुनाव भावना से जीता जाता है, फीलिंग से जीता जाता है। कांग्रेस और देश के बीच में फीलिंग बन गई है, बस अब हराया नहीं जा सकता, बात खत्म हो गया। मैंने कल लिखा ट्वीट में, मोदी जी चुनाव खत्म हो गया है, जो आपके दिल में है, जो आप अपने बारे में सोच रहे हो, वो आप मेरे पिता पे थोपना चाह रहे हो, कुछ नहीं होगा, गेम इज ओवर, फिनिश्ड, नरेंद्र मोदी इज फिनिश्ड। अब सिर्फ एक बात है, जो नफरत नरेंद्र मोदी जी के दिल में है, जितनी नफरत उनके दिल में है, उतना प्यार मेरे दिल में है, उतना प्यार मेरे दिल में। पर लड़ तो आप केवल नरेंद्र मोदी से नहीं लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आप मायावती जी से भी लड़ रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी से नहीं लड़ रहा हूँ, आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी से तो आप कंटेस्ट कर रहे हैं ना? नहीं, मैं हिंदुस्तान के दर्द से लड़ रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान के किसानों की जो समस्या है, जो उनके दिल में घबराहट है, उसके खिलाफ लड़ रहा हूँ। बीजेपी भी यही कहती है? नहीं, वो नहीं कहती। मैं जो युवा है, जो भविष्य के बारे में सोच रहे हो, कह रहे हैं मुझे इस देश में रोजगार नहीं मिल रहा, मैं उस भावना के साथ खड़ा हूँ। मेरी लड़ाई नरेंद्र मोदी से नहीं है, नरेंद्र मोदी तो हिस्ट्री है, खत्म हो गए हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश की एक मिनट रुकिए, राजनाथ रखेंगे या अमेठी? थैंक यू।